हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 का 10th क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 12 क्लास 10th। स्क्रीन पे आपको फिगर नज़र आ रही है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज दिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का एरिया गिवन है, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ए सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन। तीनों वर्टेक्स से सर्कल बनाए गए हैं, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। जितनी ट्रायंगल की साइड है उसका हाफ रेडियस लेके, तो शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। ये वाला पाई की वैल्यू गिवन है, तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स अगर हम करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें ट्रायंगल का एरिया तो पता है, अगर सेक्टर का निकालना है तो उसके लिए रेडियस चाहिएगी, तो हम ये इसकी रेडियस को आर ले लेते हैं। तो लेट जो रेडियस है आर, तो साइड ऑफ ट्रायंगल 2R हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन में गिवन है, वो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल का, अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 साइड है 2R। आर स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 17320.5, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर हम 10^4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कट गया। तो R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 यानी 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मिल गया है, अब हमें निकालना है एरिया शेड रीजन का, तो उसके लिए ट्रायंगल माइनस सेक्टर। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, देयर फोर एंगल ए बी सी सब 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 × एरिया ऑफ सेक्टर, तीन सेक्टर हैं तो तीनों का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया तो हमें गिवन है, सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 πr² तो 3 इसे काट देते हैं 120, थीटा की जगह 60/120 3.14 × 100 × 100। तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जा रही है क्योंकि रेडियस भी हमारा 100 आ चुका है। ये आगे से 2 से काट देते हैं 1.57, तो कुल मिला के आ जाएगा 15700। तो ये माइनस करके हमारा एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का, .5022
ये इतने मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन अगर कहीं गलत भी होगी तो आपको मैंने मेथड समझा ही दिया है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी आपको चैप्टर 10 की, जहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन से रिलेटेड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।